30,000 रुपया महीना सैलरी हो नहीं करना कहीं नहीं, ऑफिस में जाकर रखना है। और लाइट आई हाँ तो बटन के चालू कर रखा है, गीले कपड़े लेकर तार उनके साथ करना तो तेरी की मैं एक बात बता हाँ अपना दीपक भैया मिला के कहे गया तो दीपक भैया दीपक भैया मैं उनके साथ उनकी ससुराल गए, भाभी जी का पहली बार देखा है। हाँ अच्छा तो भैया के भाभी से कि मैंने कहा एक दे दूंगा, भैया के भाभी से कि मैंने कहा एक दे दूंगा, उसने कहा मेरे पास है, मैंने कहा प्यार है, वो बोली तू दिलदार है, मैंने कहा घूंघट उठा, उसने कहा पैसे भी था, मैंने कहा पैसे नहीं, वो बोली ऐसे नहीं, मैंने कहा महंगाई है, वो बोली तू मेरा भाई है। हाँ कि भोकट में मजा लेने नहीं देंगे, कि भोकट में मजा लेने नहीं देंगे, और जेब का पैसा खर्च होने नहीं देंगे। अभी थोड़ा मजा आए तो मुस्कुराइए, और ज्यादा मजा आए तो फिर ताली बजाइए। हाँ और जो सबकी रक्षा करे उसे भगवान राम कहते हैं, और जो तालियां ना बजाए उसे झंडू राम कहते हैं। अच्छा हो गया यार, हम तुमको कुछ नहीं समझते, साफ करो साफ कर दी। अरे नहीं ये तो मेरे बैठने की स्टाइल है। हाँ क्यों लड़कियां नहीं आई तो बुला के लाओ, क्यों तेरे को नहीं पता है क्या? तो जीजी बोलते ना, क्यों तो छोटी है जीजी नहीं बोले, जा जो लगे बोल दे। हेलो 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 क्यों वो आमिर खान नहीं है? आमिर खान को फोन लगाओ। हाँ बुलाओ उसको। हेलो हेलो हाँ जी कौन? मैं सीतापुरम अयोध्या गुरु जो तो राम जी की रोटी वाली पास रखो। अरे नंबर ढंग से लगा, नंबर ढंग से लगा, फिर से लगा। हेलो हेलो क्यों भाई अमीर खान लेके आओ? हाँ हाँ यार, अरे मैं तो कोकरावत में भीख मांग रहा है। अरे गुरु जी ने स्कूल बुलाए थे। अरे कह दीजिए कब्रे क्षेत्र से बाहर है गुरु जी भैया, स्कूल का नाम कब्रे से बाहर है। जाओ पकड़ के लाओ उसको। आगे चलो प्रार्थना करो। आओ कल्लो जय लुलो पर, कल्लो जय लुलो पर, सब आजो लो आजो। बरे देवी ना बादनी बरे कुर्सी पर मारा भैया जी खर धर दे, प्रधानमंत्री जी की कुर्सी पर मारा भैया जी खर धर दे। गुरुजन प्रार्थना नहीं करवाना क्यों? अच्छा हाजरी बोलेंगे सूरज भैया खोरे गुरु जी बेनी आए। क्यों नहीं आए? गुरु जी आज तक भेज जानी तो भेज जानी तो क्या हुआ? छोटा हुआ तो स्कूल नहीं है भैया दबा गुरु जी। कल कहाँ गया था? गुरु कल गिर गया थे और लग गई थी। कहाँ गिर गया था और कहाँ लग गई थी? बिस्तर पे गिर गया था, नींद लग गई थी। लग गई थी नींद? हाँ बैठ। प्रवीण भैया खो रहे गुरु जी बहनी आए। क्यों नहीं आए? प्रवीण भैया नहीं। हाँ वो अर्चना भाभी। अच्छा उनकी बहुत आपस में लड़ाई चल रही थी तो अर्चना भाभी भैया से तुम्हारा नाम मत लिया करो। क्यों भैया ने मैसेज किया? क्यों तुम्हारा नाम ले तो लड्डू भी मारा नाम ले। अच्छा तो भैया के बोलते तो कभी कभी मम्मी मम्मी के तो उनका कहा है? हमारे घर के सामने। अरे तो तेरा कहा है? हमारे घर के सामने। तो तुम दोनों का कहा है? हमारी हाजिरी बोल रहे गुरु पिलाऊंगा। उपास के गुरु जी। क्यों रे दोनों उसकी हाजिरी क्यों बोली? गुरु जी ने कही थी गुरु पिलाऊंगा तो मैंने बोल दी। तो स्कूल में पूरी भी हो गई? हाँ मैं तो स्कूल के बाहर पे हूँ। जय नारायण बेट प्रीति एंटा पेप्सी कोको कोला फैंटा बहुत अच्छे। कहाँ गई थी? मैं बताऊँ गुरु जी कहाँ गई थी? और सुनो गुरु जी गुरु जी गुरु जी और सुनो गुरु जी मैं बदला हूँ कल के इसके बाद चाको हरे ताकाई की दुर्गे प्रभाई चाको हरे ताकाई की दुर्गे प्रभाई
स्कूल आ रही थी तो रास्ता में खीरे नहीं है, खोले मिल गया। अच्छा देखा देखा गया कि जाति कहाँ है और एक बालम यहाँ है उसकी पूंछ में घटना लगा देंगे तो रुक जाएगा। कैसे? पूरी सुई का छेद में धागो जितने लंबो हो पूरा निकल जा और जहाँ घटना लगा वहां जाकर फंस जा। हाँ? तो जब पूरा हाथी में निकल गए तो पूंछ में घटना लगा तो रुक जाएगा। रे नालायक चल दबा खड़ा हो। हाँ गुरु जी। अंडे में से हाँ बच्चा कैसे निकलता है? गुरु जी हाँ पहले तुम मुझे ये बताओ कि अंडे में बच्चा घुसता कैसा है? मेरे क्या बन रहा है मुझे क्या मालूम ऐसी कौन सी चीज है जिसे खाने के बाद हाथ मुंह नहीं धोना पड़ता है? बताओ गुरु। जूता। जूता? हाँ कैसे? जूता खाने के बाद हाथ मुंह नहीं धोना पड़ा, वहां से सीधा भागना पड़ा है। लेके लेके कभी कोशिश करिए। ऐसी कौन सी चीज है जिसे गरीब लोग फेंक देते हैं और अमीर लोग जेब में संभाल कर रखते हैं? बताओ गुरु। सेमोर। सेमोर? हाँ कैसे? गुरु किसान आदमी का खेत में आ जा वो भैंकिया फेंक दे वो दीपक भैया जैसा का जाने तो वो कालो से जेब में दस्ती निकाला फिर पोछ ले वापिस जेब में रख ले। नालायक मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है? गुरु जी हैजा। गलत है गुरु जी। तो सही क्या है? पहले ददौरा होता है। पहले ददौरा होता है। नालायक दिल्ली में कुतुब मीनार है। गुरु जी सो जा। बराबर है जग रहा था। हाँ? तो मैंने क्या बोला? आपने बोला दिल्ली में कुतिया बीमार है ऐसा बोला। हाँ, हाँ। मतलब तू सो रहा था? मैं तो जग रहा था। जग रहा था। हाँ। अच्छा तो अब मैं जैसा बोलूंगा वैसे हाँ? ही बोलना। दिल्ली में कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार है। दिल्ली में कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार है। बढ़िया बढ़िया। अरे बढ़िया बढ़िया। अरे नाला बैठना। नाला बैठना। अरे नमूने बढ़िया। नमूने बैठे हैं। इसको बैठा ना। इसको बैठा। खड़ा हो पहले। हाँ नकल क्यों कर रहा था? अरे नकल नहीं कर रहा था। मैं कही थी मजे से बोलो बोलने में चालू हो। अरे तो प्रश्न बोलने का बोला था। प्रश्न बोल रहा था। अच्छा एक बात बता। हाँ तू पैदा कब और कैसे हुआ था बता रहा हूँ। हाँ बताओ। गुरु वहाँ पापा जी खेत में गया था और मम्मी नदी का कपड़ा धुल गई थी और मैं घर पैदा हो गया था। ऐसे कैसे हो रहे? कब हुआ? भगवान राम से अयोध्या में था सीता जी बन में थी लवकुश घर पैदा होगा था। वो कलयुग का। वो कलयुग है। कौन से दिन हुआ था? अपन शुक्रवार का दिन हुआ था। बढ़िया गुरु जी। हाँ तो कब पैदा हुआ था? रविवार। वो तुम तो बहुत खराब आदमी है। क्यों? छुट्टी के दिन छोड़े। अरे नाले मुर्गा भाई। बिल्कुल मुर्गो नहीं बनी। मुर्गा भाई बिल्कुल मुर्गो नहीं। क्यों नहीं बनेगा? हमारी पेंट फट चल है। नाले कही के। अच्छा कल मैंने फीस लाने का बोला था लाए क्या? लाए। लाओ दो। जे जे हो। जे क्या है? जे कोई को है। अरे तो नमूने फीस का बोला था ना। गुरुजी हम घर गया हमने मम्मी से कही थी गुरुजी ने फीस बुलाई तो मम्मी के बेटे अपने का फीस तो नहीं है गुरुजी का कोल को ले जाते हैं। अरे कौन सी फीस का बोल रहा है? बिलाउस के। अरे नाले को पैसे
बढ़िया लेके आ रहा हूँ। अच्छा कल सब अपनी साला का नाम लेके आ रहा, अब क्या हो गया गुरु जी? हमारा तीन के तो साला है, ये छोरी उनके साला कहाँ से आएगा? कौन सी साला की बोल रहा है? रोटी वाली को भाई नारायण को पाठशाला तो